पार्टी लॉन्च लाया महाबचत ऑफर, अपनी शादी को बनाए यादगार। द फोर सीजन पार्टी लॉन्च के साथ मेक योर इवेंट मेमोरेबल। 785 महावीर चौराहा नूरुल्ला रोड करौली प्रयागराज। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। कानपुर के कुख्यात माफिया विकास दुबे से पूछताछ पर यह साफ हुआ है कि वही विकास दुबे है जिन्होंने कानपुर के बिल्लौर में 8 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक रूप से बयान जारी कर दिया है और विकास दुबे की गिरफ्तारी को मध्य प्रदेश पुलिस की तत्परता बताते दिखे लेकिन ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बड़ा हो हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे? इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।